नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहां पे मैं गाइस पंजाब नेशनल बैंक की, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी के क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट, क्या कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, ये है पंजाब नेशनल बैंक का रिजल्ट। और देखिए, अगर कम बात करें कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है, तो देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज ऑल्सो रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 0.64 रुपीज पर इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 2, यानी कि भाई 0.64 रुपए के आपको डिविडेंड भी दिए कंपनी ने, जो कि मुझे लगता है इट्स वेरी गुड। ठीक है, और अगर हम नीचे चले और देखिए कि भाई साहब रिजल्ट कैसे आए इस बार, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं भाई कहाँ पे रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले देखिए स्टैंड अलोन रिजल्ट है, और बात करें अगर इसकी कि भाई ये रिजल्ट लाख में है या करोड़ में है, तो देखिए ये लाख में दिए गए हैं रिजल्ट, यानी कि भाई हमको ये 2 पॉइंट हमें पीछे करने पड़ेंगे रिजल्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। देखिए इंटरेस्ट में देखेंगे इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल, तो ये हम इसको यहां कर देते हैं भाई, क्या यहां दशमलव लगा देते हैं 2 दशमलव के बाद, और हम देखेंगे 18,645 करोड़ के आप कह सकते हैं इंटरेस्ट कमाए गए हैं, इंटरेस्ट अर्न किया गया है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था दोस्तों 19,325 करोड़, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब देखते हैं एक एक करके कहां कहां इनकम पाई गई है। तो देखिए इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस बिल ये कितना निकल के आया है 12,053 रुपए का, 12,053 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 12,734 करोड़ रुपीज, यानी यहां पे गिरावट हुई है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम बात करें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो ये लगभग आप कह सकते हैं 5,905 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 5,814 करोड़ थी, यानी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रही है। जो गिरावट जो है, जो सीवियर गिरावट देखने मिली है, वो इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेस बिल में देखने मिली है। नाउ इंटरेस्ट बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंटर बैंक, तो ये उतना ज्यादा रहता नहीं, 506 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 650 करोड़ था, यानी यहां पर भी एक स्टिप डिप हमें देखने मिल रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो इस बार आया है 2,450 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 2,700 करोड़, यानी कि एक सीवियर डेंट आपको इनके टोटल इनकम में देखने को मिल सकती है। और आप देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने टोटल जो कमाई की है वो है 21,091 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 22,026 करोड़ रुपीज, यानी कि आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, गिरावट दर्ज की, और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, भले ही कंपनी ने डिविडेंड दिया, लेकिन इस बार के जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टरली बेसिस के, वो काफी कमजोर दिखाई देते पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो आप देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो इस बार उसमें ड्रास्टिकल गिरावट आई है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट, रुकिएगा मैं थोड़ा नीचे आ गया, हम देखते हैं भाई टोटल इनकम तो हो गई, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ठीक है, तो उसमें जो एम्प्लॉय कॉस्ट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है दोस्तों 2,158 करोड़ की। ठीक है, और जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 3,310 करोड़, यानी एम्प्लॉय कॉस्ट में काफी गिरावट देखने मिल रही है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखेंगे, तो इस बार निकल के आई है 2,331 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 2,116 करोड़। ठीक है, और हम टोटल एक्सपेंडिचर में अगर नजर डालेंगे, तो वो इस बार निकल के आई है 15,830 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 16,949 करोड़, यानी कि जो खर्चे हैं उसमें बहुत गजब की आप कह सकते हैं एक कमी आई है और बहुत कॉन्ट्रैक्शन आया है। ठीक है, और क्या ये इनके बॉटम लाइन को मजबूत करने में मजबूत कर पाएगा, उसके लिए हमको नीचे चलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि भाई साहब कि जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस हम नीचे चलते हैं कि भाई साहब इसने नेट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ किया। तो देखिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो देखिए ये कितना है 201 करोड़ का, जो पिछली बार कितना था दोस्तों, पिछली बार था 1,126 करोड़ का। आई मीन ह्यूज लॉस, ह्यूज गिरावट है दोस्तों, लॉस गलत वर्ड होता है, ह्यूज गिरावट है दोस्तों। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहां 201.57 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में थी 1,126 करोड़। इतना क्या गिर गया है इसमें, या आप कह सकते हैं इतनी क्या गिरावट आ गई है। तो देखिए इसकी जो सबसे बड़ी रीजन आपको देखने मिलेगा वो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, इसमें बड़ा ही घाटा हुआ है दोस्तों, इसमें गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 1,722 करोड़, जो इस क्वार्टर में केवल 413 करोड़ निकल गया है। ठीक है, तो जो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स है, इसमें जो टोटल आप देख रहे हैं गिरावट, इसी कारण आपको इसमें जो आप कह सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है। और इसका सीधा असर पड़ेगा दोस्तों किसमें, इसमें सीधा असर पड़ेगा इसके किसके, ईपीएस में।
और आप देखिए इसके ईपीएस में अगर आप नजर डालेंगे ना, ईपीएस बेसिक ईपीएस 18 पैसे निकल गया है, जो पिछले 1 रुपए और 2 रुपए, 1 रुपए और 2 पैसे थी। ह्यूज गिरावट है दोस्तों ईपीएस में भी है, यानी कि ये मोर ऑल आप देखिए कल पीएनबी शायद आपको एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, बात करें हम इनके एनपीएस की, तो देखिए एनपीएस की बात करें तो ये घटा तो है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। 12 दशमलव ग्रॉस एनपीए देखेंगे, परसेंटेज 12.88 था, वो घट के 11.78 हो गया है, और नेट एनपीए जो 4.90 था, वो घट के 4.80 हो गया है। हम ये देखने को मिल रहा है कि भाई हाँ कंपनी ने जो आप कह सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए है, उसमें काफी अच्छा काम किया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करें तो ये दोस्तों घटी है, यहाँ पे कितना घटा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे 14.50 है, जो पिछले क्वार्टर 14.91 था, यानी यहाँ पे गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जस्ट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इन टोटल हमको ये देखना है कि रिजल्ट वाकई खराब आए हैं दोस्तों, भले ये इसका रीजन टैक्स हो, और बाजार इसको किस तरह लेता है ये हमें कल पता चलेगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।